Welcome to your favorite Neet One channel. बच्चों ये preparation का phase काफी ज़्यादा intense होता जा रहा है. जैसे ही हमारा exam का date नजदीक आता जा रहा है, the tension, the chaos, the tension in the environment is increasing, है ना. तो I'm pretty sure बस पढ़ाई 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 ही चल रहा होगा. तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपडेट भी दे दिया जाए आप लोगों को नीट के एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो हर एक न्यूज चैनल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहा है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टेल दिस टू माय किड्स एज वेल. तो फटाफट से ये न्यूज 18 का मैं एक स्निप लेके आई हूँ, जहां पे आप देख सकते हो इट इज फ्रॉम यस्टरडे, कल का है ये स्निप. और ये 12 मार्च 2024 का है ये स्निप. एंड यू कैन सी अभी तक कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है. NEET 2024, over 25 lakh students they have applied. तो जो एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वहां देखो मैदान में 25 लाख बच्चे उतर चुके हैं. और ये अपडेट है न्यूज 18 चैनल से, विच इज फ्रॉम 12th of March. और ये नंबर और भी इंक्रीज होगा बच्चों, बिकॉज हमें पता है 16 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है. 16 मार्च तक अभी भी देर आर चांसेस दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइट इंक्रीज, बट 25 लाख इज नॉट अ जोक, 25 लाख स्टूडेंट्स. इसके साथ साथ और एक अपडेट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिस स्टेट से आता है वो है यूपी. ठीक है, यूपी से हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं. एंड उसके साथ साथ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में अगर हम लोग जेंडर देखें देन हाईएस्ट नंबर इज ऑफ द फीमेल एप्लीकेंट्स. फीमेल बहुत ज्यादा है इस रेस में आप लोगों के साथ, द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट इज हाई. उसके साथ साथ सो फार मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन, विच इज अबाउट 4.20 लाख मोर देन लास्ट ईयर. मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी ट्रेंड दिखाया था कैसे हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता है. इस साल कुछ नया नहीं है, इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, बट इस साल कुछ ज्यादा ही एक्सेस हो गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4.20 लाख अगर हम लोग न्यूज 18 का कहना माने तो. उसके साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें 55% ऑफ एप्लीकेंट्स आर फीमेल. एज यू कैन सी 55% है फीमेल. एंड देयर आर अ टोटल ऑफ 1,08,940 मेडिकल सीट, मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया. Okay, the level of competition in NEET UG 2024 is expected to be very high and the cut-off list is determined according to the number of applicants. तो ये last sentence से तो मैं agree नहीं करती, क्योंकि जो question paper का tough और difficulty level होगा उससे determine करेगा कि cut-off कितना जाएगा. मैं last video में भी with data आप लोगों को ये समझा चुकी हूँ already. वो video है ये वाला, आप वहाँ जाके check कर सकते हो कि किस तरीके से data के हिसाब से मैंने बता रखा है कि how the cut-off is going to be, how the difficulty level of the examination is going to be determined. बच्चों इतना सारा बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, बी वेरी श्योर कि सारे बच्चे सीरियस नहीं है. अगर उनके पास पीसीबी है इन देयर 12th, सारे भर देते हैं एग्जाम. जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब का सीट निकलता है ना, हर बच्चा जो भी ग्रेजुएट है पूरा जाके भर देता है, चाहे वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो या नहीं कर रहा हो. सिमिलरली अगर पीसीबी है किसी स्टूडेंट के पास, सभी लोग भर देते हैं कि चलो नीट का एग्जाम दे देते हैं, बैठ जाते हैं, नीट का एग्जाम दे के आते हैं. ठीक है, तो सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं, लगभग 2-2.5 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं. तो अगर आप हार्डवर्किंग बच्चा हो, अगर मेहनत कर रहे हो, तो डू नॉट वरी, ये नंबर आपको डराने के लिए नहीं है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉम्पिटिशन में जरूरी है इज क्वेश्चन प्रैक्टिस. आप थ्योरी में एकदम धुरंधर हो सकते हो, आपको बायो का कुछ भी पूछे आप समझा सकते हो. थ्योरी इज रियली टॉप नॉच आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी थ्योरी पार्ट इज वेरी गुड ऑफ योर्स. बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आप नीट के एग्जाम में फोर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि वहां पे 3 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको किसी को थ्योरी नहीं समझाना है. राइट, सो इसलिए इस चैनल पे वी मेक श्योर कि हम लोग बार बार मॉक टेस्ट लेके आए. एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिस्पॉन्स वंडरफुल था. एंड दिस मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू ऑन दिस चैनल टुमारो एट 2 PM, जहां पे हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं बच्चों. हियर इट इज गोइंग टू हैपन ऑन 14th, दैट इज थर्सडे 2 PM ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चंस करेंगे, उसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और मजा आ जाएगा. आई होप टू सी एवरी सिंगल वन ऑफ यू इन द बायोलॉजी मॉक टेस्ट कल. कल होने वाला है 2 बजे. उसके साथ साथ मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक मजेदार सीरीज जो मैं लेके आई हूँ इस चैनल पे, विच इज बायोलॉजी स्पॉटलाइट, जहाँ हम लोग डिकोड करते हैं एनटीए को. हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में एनटीए कहाँ कहाँ से बार बार क्वेश्चंस उठा रहा है. एंड वेरी हाई चांसेस की नीट 2024 में भी उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन एनटीए उठाए. तो ये बहुत ही वंडरफुल एक सीरीज है जो वी ट्राई टू कम अप विद इट एवरी डे. बट अभी इस हफ्ते, क्योंकि वी विल डू अ मॉक टेस्ट एंड आई विल आल्सो हेल्प ऑल द
स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग 19 तारीख को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम, उनके लिए भी, बट नेक्स्ट वीक से एवरी सिंगल डे 2 PM वी विल बी हैविंग बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज वेयर वी विल बी डिकोडिंग NTA, एंड इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल सीरीज, एंड ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इट्स अ ऑसम रिविजन सीरीज, ये कोई वन शॉट नहीं है बच्चा, आपको वहां चीजें समझाई नहीं जाएगी, वहां पे आपको डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा. वन शॉट वीडियोस इसी चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाके उसको 2x पे प्ले करके फटाफट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. बट इन दिस सीरीज वी मेनली फोकस ऑन डिकोडिंग NTA की, किस तरीके से एक चैप्टर में NTA कहां कहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से उठाता है, कितना बार सेम टॉपिक से क्वेश्चंस उठाता है, वी डिकोड दैट एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस अलोंग विद इट. ठीक है, तो ये था बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज, बट आई वॉन्ट टू सी यू ऑल टुमारो फॉर कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट 2 PM इन दिस पर्टिकुलर चैनल. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आई नो यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, मेरे सारे गुड विशेस आप लोगों के साथ है, एंड लेट्स डू दिस टुगेदर. Let's see how our preparation is. और अगर लास्ट तक आपने ये वीडियो देखा है, then जरूर लिख के जाना, NEET 2024 is mine. I will do it. ठीक है बच्चा, bye bye.